हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देव ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो हम लोग इंटीग्रेशन को लास्ट वीडियोस में देख रहे थे एंड हम लोग इस वीडियो में भी इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, जस्ट एक बार रिकॉल करते हैं। आपने अगर पहले नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देखिएगा। सबसे पहले हम क्या बताए थे कि इंटीग्रेशन को पहचानेंगे कैसे, जहाँ पे ये सिंबल यूज किया गया है। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल को इंटीग्रेट करने देगा आपको, वहां पे लास्ट में डी दे के वो लिखा रहेगा। अगर x का पावर 5 है तो डी एक्स लिखा रहेगा, u का पावर 5 को इंटीग्रेट करने देगा तो डी यू यहाँ पे इंटीग्रेट, मतलब वेरिएबल जो है वहां पे डी दे के वो लिखा रहेगा। पहला ये दो चीज मैंने आपको बताया था। इसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेशन पे बताए थे कि जब भी किसी भी वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं, लास्ट में जो भी इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा प्लस लास्ट में आंसर में आपको सी लगाना है। ये बेसिक तीन चीज मैंने बताया था। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था कि अगर कभी भी एक्स का पावर एन, एन बेसिकली कोई भी इंटीजर रहे माइनस वन को छुड़ा के, ये थोड़ा सा याद रखना है, तो उसको जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं क्या हो जाता है, तो जो भी पावर है उसमें वन ऐड करते हैं बाय एन प्लस वन प्लस सी। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाए थे। उसके बाद हम लोग मूव किए थे जब एक से ज्यादा टर्म रहे, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स का पावर 5 प्लस एक्स का पावर 7 प्लस एक्स का पावर 9 dx। अब ध्यान से समझिए बात को, इसको कैसे इंटीग्रेट करें। एक वैल्यू देता है x का पावर 5 तो कर देते, x का पावर 7 देता तो कर देते, लेकिन जब एक ही साथ तीन टर्म दे दिया तो इसको कैसे इंटीग्रेट करें या फाइनल वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। मैंने क्या बताया था कि हम लोग सारे वैल्यू को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो जाएगा, तो एक्स का पावर 5 dx प्लस एक्स का पावर 7 dx प्लस एक्स का पावर 9 dx। अब इसको सॉल्व करके जो भी फाइनल आंसर आए वो हमारा वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन का। तो ये सब बेसिक हम लोग लास्ट क्लास में रिकॉल किए थे। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको रूट अंडर का कंसेप्ट समझाया था कि जैसे रूट अंडर 7 लिखा है तो इसका मतलब हम लोग इसको अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको बोले कि रूट अंडर को एक्सप्रेस कीजिए तो आप क्या बोलोगे, 7 का पावर 1/2। अगर यहाँ पे क्यूब रूट, यहाँ पे 3 दिया हुआ है 7 लिया लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 7 का पावर 1/, यहाँ पे जो भी रहे नहीं दिया रहे तो 2, अगर 3 दिया है तो 1/3। 7 का पावर, यहाँ रूट एंड फोर्थ रूट दिया है, इसको कैसे लिखेंगे, 7 का पावर 1/4। तो यहाँ पे आपको अगर दिया है तो 1/ वो लिखना, नहीं दिया है रूट एंड सिर्फ है तो 1/2। समझ में आ रहा है बेसिक, ये सब हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, यहाँ पे जस्ट शॉर्ट में रिकॉल कर रहे हैं। सपोज करिए एक ऐसा दे दे x का पावर 2 का रूट एंड क्यूब रूट, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो x का पावर 2 पहले से है यहाँ पे, तो x का पावर 2 का ये रूट क्यूब रूट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/3। अब ऐसा प्रॉपर्टीज है एक्सपोनेंट का, पावर का 2 पावर रहता है दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 × 1/3 क्या हो जाएगा हमारा, 2/3। सो फाइनल वैल्यू वो आ जाएगा। तो मैंने आपको बोला कोई भी वैल्यू को इंटीग्रेट करने दे आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स के पावर एन के फॉर्म में लाना है, इसके फॉर्म में लाना है। आपको क्वेश्चन या तो डायरेक्ट एन वहां पे बता देगा, अगर n नहीं दिया हुआ, पावर नहीं दिया हुआ तो आपको पावर निकालना है, वो रूट अंडर देगा या कुछ ऐसा देगा, तो आपको बुद्धि थोड़ा सा लगाना है और आपको पावर निकालना है, बेसिक सा बात है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्लियर है बात। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बनाएंगे एंड आज का क्लास बहुत ही मजेदार होगा। एंड इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, तब मजा से कंसेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो थोड़ा सा समझ में आने में परेशानी हो सकता है। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में पढ़े थे जस्ट आपको पटरी पे लाने के लिए हम लोग एक बार फिर से बनाते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या है हमारा, x का पावर 1/3 प्लस 2x का पावर 1/2 प्लस x का पावर 3/2
dx. तो ये यहाँ पे देखिए तीन अलग अलग टर्म दिया है, क्या हो जाएगा, तीनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करते हैं, x का पावर 1/3 का इंटीग्रेशन प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, क्या बच गया हमारा, x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन प्लस x का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा बताइए, x का पावर 1/3, पावर क्या है 1/3, उसमें 1 ऐड करेंगे by 1/3 plus 1 plus 2 into x by 1/2 plus 1 by 1/2 plus 1, x का पावर 3/2 plus 1 by 3/2 plus 1, और यहाँ पे एक फाइनल कांस्टेंट, यहाँ हर आंसर में cc ना लगा के एक डायरेक्ट c मान ले रहे हैं, जो क्या होगा c1 plus c2 plus 3 c3 का सम अप हो जाएगा, इसको अब ध्यान से सॉल्व करिएगा क्या आ जाएगा वैल्यू, तो x का पावर 4/3 by 4/3 plus 2 into x का पावर 3/2 plus 3/2 plus x का पावर 5/2 by 5/2 plus c, इसको सॉल्व करके देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे इस फ्रैक्शन को सिंपल करेंगे तो 3/4 x का पावर 4/3 प्लस 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 इंटू 2 4/3 x का पावर 3/2 प्लस 2 ऊपर आ जाएगा 2/5 x का पावर 5/2 प्लस c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ दो आया, पहला अगर एक से ज्यादा टर्म रहे तो सारे को इंटीग्रेट करना, फिर दूसरा फॉर्मूला क्या था, x का पावर n जो भी पावर रहेगा उसमें 1 ऐड करना है बाय n प्लस 1, पूरे में देखिए वही कंसेप्ट आया है। तो अब आपको पकड़ना होगा नक्स धीरे धीरे कि क्या हो सकता है, उसको कैसे सिंपल समझना होगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट रहे बताना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1/x + 3 dx, बहुत ही सावधानी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और थोड़ा सा समझिएगा कैसे इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है। सो देखिए यहाँ पे भी क्या आया समस्या कि एक से ज्यादा टर्म है, अब एक से ज्यादा टर्म है कैसे किया जाए, क्या बोलता है इंटीग्रेशन का कंसेप्ट, भाई साहब एक से ज्यादा टर्म है सारे टर्म को इंडिविजुअली आप इंटीग्रेट कर दो, क्लियर है बात, तो तीनों टर्म को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। x का पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो पावर 1 में 1 ऐड किए बाय 1 प्लस 1 प्लस, यहां पे ध्यान रखना है आपको, तो मैंने बोला पावर लाना है किसी भी तरीके से, आप क्या करोगे x का पावर माइनस वन इसको लिख दोगे और यही गलत हो जाएगा, अगर आप इसमें एक्स का पावर माइनस वन प्लस वन बाय माइनस वन प्लस वन करके बनाएंगे तो 0/ आंसर आएगा, लेकिन हम क्या बताए थे यही लास्ट वीडियो में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप देख लेना एक बार अगर आपने नहीं देखा है तो, इसको मैंने बोला था डायरेक्ट आपको क्या लिखना 1/x रहे तो कोई दिमाग नहीं लगाना उस समय पावर नहीं, तो ये एक नया फॉर्मूला, अभी तक दो फॉर्मूला, पहला क्या था हमारा कि x का पावर n रहे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन का वैल्यू, x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, दूसरा अब यहां पे लिखिएगा अगर इंटीग्रेशन रहे और 1/x रहे या फिर अथवा x का पावर माइनस 1 रहे इसको इंटीग्रेट करना रहे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा log x, तो ये दूसरा फॉर्मूला लिखिएगा, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा हमारा log x प्लस 3, फिर से एक नया कंसेप्ट इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx ध्यान से समझिएगा बात को, ये क्या हो जाना है x का पावर 2/2 प्लस log x प्लस 3, इंटीग्रेशन ऑफ dx ये क्या होता है तो 3x, ध्यान से समझिएगा अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx रहे तो x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ du रहे जो भी वेरिएबल रहेगा ये हो जाएगा, इसका भी कंसेप्ट है लेकिन उसमें मत जाइए क्यों होता है, जो भी वेरिएबल रहेगा d देके जो भी रहेगा वही वेरिएबल हो जाएगा,
अगर डी जेड रहता है इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड तो क्या हो जाता है वैल्यू हमारा जेड, ठीक है ना, क्लियर है। तो तीन नया चीज अभी तक सीखे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर एक्स, ध्यान से देखिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस लॉग एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सी। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही तीनों चीज एकदम केयरफुली दिमाग में नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। सो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, अगर x का पावर n रहे तो x का पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन, वन बाय x रहे तो क्या हो जाएगा log x, अगर सिर्फ dx रहे या सिर्फ d दे के कुछ वेरिएबल रहे तो उसका आंसर इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, तो जो भी वेरिएबल है du है तो u, dz है तो z, dx है तो x, ठीक है ना। तो ये तीनों बातों को एकदम दिमाग में रखना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx, सिंपल है, क्या हो जाएगा बता दीजिए, dx दिया हुआ है भाई साहब, आप बोलिएगा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। सपोज करिए मेरे को देता है इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, बता दो क्या बोलते हैं हम, भाई साहब 5 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा, एंड dx का तो x होता है तो आंसर हमारा 5x plus c हो जाता। वो बोलता भाई साहब क्वेश्चन है हमारा u स्क्वायर प्लस 1du, तो आप क्या कहते कि दो टर्म आ रहा है दोनों को इंडिविजुअली तोड़ देंगे, u स्क्वायर du प्लस du सिर्फ बच रहा है, तो फाइनल आंसर आप क्या बोलते हैं u स्क्वायर, यहां पे पावर 2 है तो पावर 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा 2 में बाय 3 प्लस du है तो u प्लस c, आप बोलते यही आंसर होगा, क्लियर है बात। सो आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी है तो आप फिर कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि कहां पे क्या समस्या आ रहा है, तीनों एकदम याद रखना बेसिक चीज है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन हमारा मजेदार है, क्या है कि रूट अंडर एक्स इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस 5 डी एक्स। अब समस्या क्या आता है कि भाई साहब हम u इंटू भी रूट अंडर एक्स इंटू ये रहता डिफरेंसिएशन तो इसको कर लेते, कैसे करते, पहला टर्म को उतारते इंटू दूसरा का डिफरेंसिएशन प्लस दूसरा को उतारते पहला का डिफरेंसिएशन, लेकिन यहां तो कुछ u into b इंटीग्रेशन में अभी तक नहीं पढ़े, अब क्या किया जाए, अभी तो सिर्फ पावर का इंटीग्रेशन जानते हैं, तो पावर के रूप में इसको कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा बताइए, अगर रूट अंडर एक्स से डिवाइड करने बोल मल्टीप्लाई करने बोल रहा है तो सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे अगर नीचे में डिवाइड करने दिया रहता रूट अंडर एक्स बाय तो सारे टर्म को डिवाइड कर दीजिए, बेसिक कंसेप्ट फिर से समझिए, यहां क्या है रूट अंडर एक्स इंटू समथिंग, जितना टर्म है सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको सिंपल कर देते हैं सिंपल भाषा में, क्या हो जाएगा ये रूट अंडर एक्स इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस रूट अंडर एक्स इंटू एक्स का पावर 1 प्लस रूट अंडर एक्स इंटू 5 और पूरे अर्थ के आगे डी एक्स लगा देते हैं, बात समझिए होगा ना। आगे देखिए ये क्या, इसका पावर मतलब क्या है रूट अंडर है तो x का पावर 1/2 x का पावर 3/2 प्लस x का पावर 1/2 इंटू x का पावर 1 प्लस x का पावर 1/2 इंटू 5 dx, क्लियर है बात। इसको चलिए और सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिए बेस सेम है, पावर फिर पावर एक्सपोनेंट का रूल, अगर बेस सेम रहे तो पावर ऐड हो जाता है, x का पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 तो 1 प्लस 3 4/2, इसी तरह x का पावर 1/2 प्लस 1 तो x का पावर 3/2 प्लस x का पावर 5/1/2 dx, यही बचेगा ना, ये रूल है कि बेस सेम रहे पावर ऐड हो जाता है। अब इंडिविजुअली सारे को इंटीग्रेट करेंगे, x का पावर 4/2 तो 2 हो जाएगा, तो सिंपली x का पावर 2 dx का इंटीग्रेशन, फिर x का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर आ गया x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा बताइए,
एक्स का पावर 2 है तो 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस एक्स का पावर 3 बाय 2 है प्लस 1 बाय 3 बाय 2 प्लस 1 प्लस 5 बाहर आ गया एक्स का पावर 1 बाय 2 है तो 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस c क्लियर है बात इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा हमारा आंसर x का पावर 3 बाय 3 प्लस x का पावर 5 बाय 2 और नीचे में 5 बाय 2 आएगा तो 2 को ऊपर कर देंगे और 5 2 बाय 5 ठीक है ना दे आंसर देखिए ये आएगा ना हम क्या बोल रहे हैं इसको ऊपर करेंगे तो 2 बाय 5 बच जाएगा x का पावर 5 बाय 2 प्लस देखिए ये क्या हो जाएगा फिर से 5 यहां पे पहले से है x का पावर 3 by 2 तो 3 तो यहीं रहेगा by 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा तो 5 into 2 10 x का पावर 3 by 2 10 by 3 x का पावर 3 by 2 plus c तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा x का पावर 3 by 3 plus 2 by 5 x का पावर 5 by 2 plus 10 by 3 x का पावर 3 by 2 plus c ठीक है ना बिल्कुल कंसेप्ट एकदम वही है कुछ नया नहीं आया और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा इसको टिक लगा लीजिएगा अभी जो जो एकदम देखते जा रहे हैं जैसे इसको टिक लगा लेना है इसको एकदम टिक लगा लेना है इसको भी टिक लगा लीजिए नया कंसेप्ट आएगा कंसेप्ट नया नहीं आएगा बट थोड़ा सा समझना होगा आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है फिर से कंसेप्ट वही है कि 1 - x का होल स्क्वायर बाय रूट अंडर x यहां पे क्या कर रहा है भाई साहब कि पहले स्क्वायर दे दिया फिर रूट अंडर x यहां पे पावर तो दिया है लेकिन फिर u / v के टर्म में दे दिया है और किसी एक का पावर नहीं है एक टर्म का पावर होना चाहिए तो अब समस्या आ गई आप क्या करें कोई दिक्कत नहीं पहले होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो होल स्क्वायर का क्या होता है a plus b का होल स्क्वायर a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर और a minus b का होल स्क्वायर क्या होता है तो a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर क्लियर है बात इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा minus 2 into 1 into x plus x square by root under dx इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 minus 2x by x square by root under x dx अब समस्या क्या आ रहा है कि यहाँ पे तीन टर्म है u by v के फॉर्म में अभी भी है लेकिन हम लोग इंटीग्रेशन सिर्फ पावर का जानते हैं कोई समस्या नहीं हम क्या बोले अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड दे तो सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर देना डिवाइड रहे तो सारे टर्म को डिवाइड कर देना मतलब ये क्या हो जाएगा 1 by root under x minus 2 x का पावर 1 by x का पावर 1 by 2 लिख सकते हैं root under को plus x का पावर 2 by x का पावर 1 by 2 dx ये क्या हो जाएगा बताइए नीचे में x का पावर 1 by 2 है ऊपर जाएगा तो x का पावर 1 by 2 minus 2 into x का पावर 1 minus 1 by 2 plus x का पावर 2 minus 1 by 2 बोलिएगा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो just power multiply में रहे तो add होता है दोनों का power same अगर base same रहे और multiply में है तो add होता है power base same रहे x और s x दोनों डिवाइड में रहे तो पावर जो होता है वो माइनस हो जाता है तो ऐसे हम लोग किए अब फिर ये सिंपल सा कांसेप्ट आ गया सारे टर्म का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा सॉरी इंटीग्रेशन x का पावर 1/2 dx minus 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया x का पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 dx अब इसको सिंपल सा कांसेप्ट जैसे बनाते आए वैसे बना देंगे क्लियर है बात तो आगे आप लोग कैरी कीजिएगा एंड आई होप कि बन जाए नहीं बनेगा कुछ भी समस्या आए तो फिर से एक बार
मेरे से पूछ लेना है कमेंट करके, कोई भी समस्या है एकदम फ्रीक्वेंटली पूछना है। आते हैं नेक्स्ट नंबर पे जो कि है हमारा, फिर से ऐसे ही है क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय का होल स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स डी एक्स। तो पहले ऊपर वाले को एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक्स का पावर फोर माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू फोर प्लस फोर का होल स्क्वायर दैट इज 16 बाय रूट अंडर एक्स डी एक्स होगा ना, ये क्या होगा बताइए, x का पावर 4 बाय x का पावर 1 बाय 2 माइनस 2 इंटू 4 8 x का पावर 2 बाय x का पावर 1 बाय 2 प्लस 16 बाय x का पावर 1 बाय 2 dx। क्लियर है बात, अब देखिए बेस सेम है तो ऐसे ही करिए, x का पावर 4 माइनस 1 बाय 2 माइनस 8 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1 बाय 2 प्लस 16 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये x का पावर माइनस 1 बाय 2 dx। अब जैसे कि इंटीग्रेट करते हैं सारे टर्म को कर दीजिए, तो x का पावर 7 बाय 2 माइनस 8 बाहर आ गया, x का पावर 3 बाय 2 प्लस 16 एक्स का पावर माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन। अब सॉल्व करेंगे जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं, पावर जो भी है उसमें 1 ऐड करते जाएंगे, ये तो सिंपल हो गया। तो बस मेरे को इसमें पैटर्न आपको बताना था, इसलिए हम इतना क्वेश्चन सेम टाइप का या थोड़ा सा अलग अलग करके बना रहे हैं, ज्यादा बना रहे हैं कि आपका माइंड में थोड़ा सा बैठे कि मेरे को बनाना कैसे है, और पूरा रगड़ के बनाना है नहीं तो फिर समस्या आ जाएगा, नहीं ज्यादा बनाइएगा फिर तो ज्यादा बनाए एंड समझे कि मेरे को बनाना है, कोई अदर ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। फिर देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 का होल क्यूब। अब इसको a प्लस बी का होल क्यूब में तोड़िए, क्या हो जाता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। क्लियर है बात, तो यहाँ पे a के जगह क्या लिखेंगे 2x का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3b स्क्वायर, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस b, ठीक है ना, और उधर dx लगाएंगे लास्ट में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, 2 का पावर q 8x क्यूब प्लस 5 का पावर q 125 प्लस 3 इंटू 2x, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा 50x, और पूरे को इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में। तो इसको कैसे हम लोग सिंपल करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 8x क्यूब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 125 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 3 = 12 12 * 5 60x स्क्वायर dx प्लस 5 53 = 150x का इंटीग्रेशन। अब इसको इंडिविजुअली सारे टर्म को इंटीग्रेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, अगर स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में रहे तो उसको आपको ब्रेक करना है, इसी दरमियान एक फॉर्मूला और लिख दीजिए, कहीं कहीं आपको माइनस दे देगा, ए माइनस बी का होल क्यूब वो क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, 3a स्क्वायर b माइनस प्लस 3b स्क्वायर a। सो कंसेप्ट बिल्कुल यही है एकदम से, एंड बस फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। देखिए नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही है, इसको सिंपल सा ब्रेक कीजिएगा एंड
रूट अंडर एक्स का होल क्यूब प्लस इतना प्लस थ्री इंटू इतना का होल स्क्वायर इंटू इतना प्लस थ्री का इतना का होल स्क्वायर इंटू इतना, उसको फॉर्मूला में बस तोड़ना है आपको। सो बनाइएगा एक बार, आप खुद से खुद बनाइएगा, फिर मजा आएगा। नहीं आएगा समझ में तो बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जामिनेशन में जनरली पूछ दिया जाता है ये, एग्जामिनेशन में मतलब आएगा नहीं जनरली, बट आपको बेसिक कोई अगर आप बोलेगा मेरे को इंटीग्रेशन आता है तो यही क्वेश्चन देगा देखने के लिए कि आता है या नहीं। इसमें थोड़ा सा लॉजिक हो जाता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे कि कैसे करना है। तो देखिए जैसे है मेरा x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन, क्लियर है बात? इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो थोड़ा सा समझिए। यहाँ जो नीचे में दिया रहता है ना x माइनस वन है, हम ऊपर में क्या करते हैं कि खुद माइनस वन प्लस वन है अपने से ऐड कर दिया और जो पहले से प्लस वन था उसको लिख देते हैं। बात समझिए, मेरा आंसर तो चेंज नहीं हो रहा ना, माइनस वन प्लस वन दोनों एकदम ऐड किए कि बैलेंस रहे, दोनों मिलकर जीरो रहे, क्लियर है बात? तो ये क्या हो गया, माइनस वन प्लस वन ऐड किए, क्यों किए, ताकि नीचे वाले के अनुरूप आ जाए, क्लियर है? तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वन प्लस टू, वन प्लस वन टू और इसका इंटीग्रेशन। अब इसको हम लोग सिंपल ढंग में ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू बाई एक्स माइनस वन डी एक्स, क्लियर है बात? ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन x प्लस टू इंटू, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, वन बाई एक्स के फॉर्म में क्या होता है, अगर वन बाई एक्स रहता तो लॉग एक्स, बट यहाँ पे एक्स की जगह एक्स माइनस वन है तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे आप लॉग एक्स माइनस वन लिखिएगा, बाद में हर में ऐसे मत कीजिएगा, अगर एक्स स्क्वायर रहता थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, बट इनिशियली जब वन बाय एक्स कुछ दिया रहे और पावर वन रहे तो सिंपली लॉग उतना लिख सकते हैं आप, क्लियर है बात? तो उसी पैटर्न में हम लोग बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए कुछ ऐसा ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स। फिर से देखिए नीचे में x माइनस वन है, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाए तो वो तो टूट जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन में, तो हम लोग क्या करते हैं खुद से अभी ऊपर में प्लस वन और माइनस वन ऐड कर देते हैं, और पहले से प्लस वन है तो एक पहले से प्लस जो वन है उसको लिख लिए डी एक्स। आगे करते हैं क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू बाई एक्स माइनस वन डी एक्स, उसको सिंपल करेंगे क्या होगा भाई साहब, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू बाई एक्स माइनस वन डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और सिंपल करें एक्स स्क्वायर, एक नया फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे x स्क्वायर को x का स्क्वायर माइनस वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, वन ही आता है, तो यहाँ a के जगह x हो गया, b के जगह वन हो गया, तो ये टूटेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में, प्लस टू बाहर आ गया, वन बाय एक्स माइनस वन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस वन कैंसिल, x प्लस वन का इंटीग्रेशन प्लस टू लॉग x माइनस वन, ये डायरेक्ट हो जाएगा प्लस थ्री, और यहां पे फिर दो नया टर्म आया तो ये क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन जो कि क्या होता है पावर वन है तो x का पावर टू बाई टू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, तो वन तो कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जो कि x होता है प्लस टू लॉग x माइनस वन प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। तो कुछ लॉजिस्टिक पार्ट है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है,
अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा जो क्वेश्चन है उस पे स्ट्राइक करिएगा, ठीक है ना। और फिर एप्लीकेशन जैसे ही हम लोग बनाएंगे तो सारा डाउट क्लियर होते जाएगा। सो अगर आपको कुछ भी समस्या आया तो बताना, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कोई भी सजेशन वीडियो का क्वालिटी कुछ भी ऐसा लगे तो बता देना है, क्योंकि मोबाइल सिंपल से सूट होता है, तो हो सके कुछ एरर, कुछ वॉल्यूम प्रॉब्लम कुछ भी आए तो सजेशन आप प्लीज दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू।